दमोह जिला बीते कुछ वर्षों से लगातार विकास की ओर अग्रसर है। व्यापारिक क्षेत्र को लेकर के दमोह में अब शॉपिंग मॉल इत्यादि सहित अन्य ऐसी दुकानों के स्टोर भी खुल रहे हैं जो देश ही नहीं विदेश में ब्रांडेड कंपनी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में दमोह के तीन गुली क्षेत्र में A2 मॉल का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में इस शॉपिंग मॉल का शुभारंभ किया गया। कपड़ों के इस शॉपिंग मॉल में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए रियायती दर पर कपड़े मिलेंगे। इसके साथ ही खरीदी पर भी डिस्काउंट और उन्हें इनाम की बात भी शॉपिंग मॉल के द्वारा कही गई है। ऐसे में एक और शॉपिंग मॉल की शुरुआत दमोह के तीन गुल्ली क्षेत्र में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। क्या क्या है ये किड्स वियर है, डैड्स वियर है, आपके साइज भी लेना पड़ता है ना, वो घाट है ये नहीं पहने लो, जो कुछ लेना हो ले लो बेटा। दमों के लिए जिस प्रकार की बियर की आवश्यकता थी, जिसमें पुरुषों की, महिलाओं के, बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स मिल सकें, मैंने यहाँ आके देखा कि दमों के हिसाब से जो यहाँ की रिक्वायरमेंट हो सकती है और जो उसमें सिलेक्शन हो सकता है, काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं। और मैं समझता हूँ ये मॉल जो है दमों में बहुत चलेगा, लोगों को बहुत आकर्षित करेगा। मेरी लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी क्या? हाय सर, आप अपने वहाँ इंटरनेशनल आई एम राजा यादव खान स्वागत है भी। आप अच्छे अगर यहाँ ऑब्जर्व किया जाए तो दमोह के अकॉर्डिंग अपने प्राइस वाइज रेंज वाइज भी बहुत शानदार कलेक्शन है अपने पास। अपने यहाँ पर मेन्स वेयर, वुमेंस वेयर एंड किड्स वेयर किफायती रेंज में अवेलेबल है ना। एंड इसके अलावा अपने पास जो कि ब्रांड भी अपन रखते हैं जो बेस्ट है, इस पर दमोह अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो अपने पास बहुत ही सर्टिफिकेशन मले रेंज है। तो ये कह सकते हैं कि अभी तो हमारा सिस्टम क्या है कि मार्केट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। तो बाकी विजिट करके देखिएगा तो और भी अच्छा लगेगा।